सो गाइस, आज जा रहे हैं हम फाइनली फुकरे 3 देखने। और अगर आप चाहते हैं उसके होनेस्टली रिव्यू दें तो बताइए इसमें मुझे। अबे पॉपकॉर्न अभी भी बचा रखी है, गरीब कितने बचा रखी है, घर लेके जानी है। ये मेरे से इतना काम करवाते हैं, हम मूवी देखने के बाद आए हैं तो या मुझसे कोरमा बनवा रहे हैं या तो फ्राइड चिकन बनवा रहे हैं, ये कोई बात है? आप खुद बताइए। ये बीवी पे सख्त जुल्म है, सख्त जुल्म। ऐसे मियाओं के लिए क्या करना चाहिए? ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जरूर डालूंगा, तो एडिट करूंगा। आपने फ्लैश ऑन कर रखी है, आपकी बीवी किसी से डरती नहीं है, समझे? ये बताइए, ये कोई दही लाने का टाइम है और इस ये इतना इतना बड़ा वाला इंसान है, इसने इस टाइम ये कितने बज रहे होंगे? ये सीरियसली वीडियो बन रही है, 2 बज रहे हैं और ये 2 बजे अल्लाह जाने इन्हें किसने दही लाके दही की दुकान खोले देख ली और ये दही ले आए। मेरे को क्या 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 बनवाने के लिए दिया आपने? क्या फरमाइश कर रहे थे आप? क्या खाओगी बेटी? नन्नू क्या खाओगी? ये इधर कैमरा फोकस करें, गाड़ी छोड़ के पापा की। सो गाइस, फाइनली मूवी देख ली हमने और जो मूवी थी वो कैसी थी बताएंगे मिसेस तेवा। नन्नू बताइए, नन्नू कैसी थी मूवी, आपको कैसी लगी? छोटी बड़ी? बड़ी नन्नू से गिरा आपसे। सही थी? कैसी सही थी, मतलब ठीक थी, मतलब अच्छी थी, सही थी, अच्छी वाली सही थी। चलिए छोड़ के, छोटी नन्नू आप बताओ कैसी थी मूवी, बताइए। सो रही थी। आप तो देखी थी आपने उठ के टुकुर टुकुर, उसमें भी रोई थी हमारी नन्नू परी। तो गाइस, मूवी जो थी वो स्टार्टिंग में अच्छी थी, काफी कॉमेडी थी उसमें और वैसे भी वन टाइम आप देख सकते हैं। बू चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन आंसर में, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ गए और नेट काफी स्लो चल रहा है। नन्नू बेटा, नो 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 गाइस, देखते हैं क्वेश्चन आंसर में, आपका पूरा घर दिखाओ ना भाई, पूरा घर हो गया नहीं, बताइए आंसर नहीं दूं मैं, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं बेटा। आओ आप यहाँ बैठो, मम्मा के पास बैठ जाओ, आहली में रही। आप बताओ फिर मूवी के बारे में, कैसी थी मूवी बताइए? अच्छी थी, सही थी। मैं नन्नू से पूछ रहा हूँ आपसे कोई। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं रीड करूंगी, बहुत सारे हैं, आप नहीं कर पाओगी। अरे भैया मैं कर लूंगी। चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो? दिल्ली, और ये सब तो आपको पता ही है, फिर भी आपके मोस्टली क्वेश्चन ये रहते हैं, तो इसका मतलब आप कम जानते हैं हमारे बारे में। लव मैरिज या अरेंज? यार ये क्वेश्चन कितनी बार आप पूछोगे, मैं आपको लिख के बायो में कर दो अरेंज मैरिज। गाइस सीरियसली, अरेंज मैरिज है और अगर आपको लगता है लव, तो लव का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मतलब कोई ऐसा डरने उनने वाली बात तो नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल अपोजिट अपोजिट रहते थे वैसे भी, है ना? डरे माना भी जिम नहीं करे, मगर कर लेंगे वो भी। सीरियसली अरेंज मैरिज है और यही एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करना पड़ता है, अब किसी को एक ही ना है या ना है, बाकी हमारे फैंस को जरूर आ जाएगा। आपका नाम क्या है ब्रो? यासर खान। आप लोग कहाँ रहते हो, कभी लखनऊ आए हो? वैसे तो रहते घर पे ही हम और इंशाल्लाह आएंगे, आपका प्यार मिला तो लखनऊ भी। आप दिल्ली में कौन सी जगह रहते हो, आपकी कास्ट क्या है एंड आपकी लव मैरिज हुई है? दिल्ली में हम आप नियर बाई शाहदरा, और रही बात कास्ट की तो वी आर मुस्लिम, ये कास्ट वगैरह तो बना दी गई है। बाकी आगे का क्या था? आगे का कास्ट क्या है एंड आप कहाँ, आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज हुई बता दिया मैंने, और
ऐसी खूबसूरत बीवी पाना का फॉर्मूला बस वो तो अल्लाह से पूछना पड़ेगा जाके आपको इतना हैंडसम है सबको पता है स्मार्ट पर्सन आल्सो पर्सनालिटी वेब ऐसा कुछ नहीं नहीं चाहिए उसमें नहीं चाहिए इंसान भाई मैंने बहुत सारे वेट नो अभी और ऐसी लड़कियों की आंखों में पट्टियां बांधने का इनको तरीका पूछ रहे हैं वो बताएंगे ये जरूर बताएंगे अभी नहीं चाहिए इसमें पढ़िए ऐसे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं ये ज्यादा डिमांड आजकल लोग सपने उतने रखे रुके दिखाई में वो आप वो इग्नोर कर रही है नहीं नहीं सबके ये मूवी पे मत आइए आप भाई आपको बता क्वेश्चन के आंसर सबके देने पड़ेंगे ये आपको नहीं 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 आप इग्नोर नहीं कर सकते नहीं आगे करिए आप प्लीज इसे लेफ्ट मत करो बिल्कुल भी उसे आप बताओ देख लोगी नहीं आप है वो और वो एक नहीं है सिर्फ मजाक कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सपने अपने वाला सीन है ये बस स्क्रीन शॉट डालूंगा स्पेशली क्योंकि एडिटिंग में ही करूंगा मैं ही डालूंगा अच्छा ठीक है चलेगा कोई बात नहीं और सो मूवीज जो थी गाइस मूवीज काफी अच्छी थी मतलब वन टाइम की है जरूर आप देख सकते हैं और उसमें कॉमेडी जो थी कॉमेडी भी काफी अच्छी थी कुछ कुछ सीन थे जो ओवर थे थोड़े बाकी मूवी वन टाइम के लिए बढ़िया है बेस्ट है फैमिली के साथ देख सकते हैं आप और नेचुरल कॉमेडी कोई मतलब वो नहीं है कि ज़्यादा ही कॉपी करी हुई किसी की या कंटेंट किसी का चुराया हुआ जैसे वो आ रही थी आपको पता है वन पार्ट जैसे बेस्ट पार्ट सेकंड भी और थर्ड भी और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट लगा सीन लगा मूवी का जो फनी था तो एरोप्लेन वाला आइस क्यूब का सेकंड उसकी मैंने क्लिप ली थी मगर वो आई थिंक यूट्यूब की पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी इसे तो वीडियो रिमूव हो जाएगी डेट्स वाई ऐसे डाल नहीं सकते हम बाकी आप क्वेश्चन आंसर पाइए वापसी सो क्यूट फैमिली वाओ शुक्रिया तो आपका प्यार है चलो आगे आपकी बेबी का क्या नाम है भाई रिप्लाई जरूर करना हलीमा खान अल्फिया खान 622 हलीमा खान अच्छा कैसी है मूवी भाई आपकी शादी चले नेक्स्ट ये जो थोड़ा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी शादी आपके घर वालों ने मूवी जो है अच्छी है ये मेरे को क्वेश्चन कैसे बता नहीं रहे हो आप जान किसी का इग्नोर नहीं कर सकते ना सबके रिप्लाई देने हाँ तो आप अभी आपने वो फर्स्ट रिप्लाई कर दिया तो फिर उसको बार बार फिर से ये आप शादी वाला इग्नोर कर सकती हैं देखो ये ना जो मेन होता है ना आप लोगों को जिसमें इंटरेस्ट आए वो इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि ये व्लॉग जो बन रहे हो स्पेशली मूवी के व्लॉग के लिए बन रहे हैं पर जो सबके आपने क्वेश्चन फिर आपने क्यों पूछवाए क्यों पूछा आपको उसी के रिलेटेड पूछना चाहिए था ये हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे और मोस्टली पता है हमारे लव वंस को आप दोनों की एज क्या है आपकी लव मैरिज है या अरेंज बस दो क्यों है प्लीज रिप्लाई बस दो क्यों है मतलब थोड़ा समझ नहीं आया बॉर्ची और एज डू यू लाइक बिरयानी यस इनको बहुत पसंद है नो 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 ओनली लेग पीस विद लेग पीस मुझे बिरयानी जो है बिरयानी की वजह से पसंद नहीं है मुझे लेग पीस की वजह से बिरयानी पसंद है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है इन्हें हर एक चीज में लेग पीस लेग पीस लेग पीस लेग पीस लेग पीस मशहूर बिरयानी जिसके पास भी मैं जाता हूं ना पता है कि स्पेशली लेग पीस निकाल के देने हैं उस वजह से मैं बिरयानी खाता हूं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आपका कपल बहुत प्यारा है माशाल्लाह आप इंडिया में कभी किसी एक्ट्रेस से मिले हो जी इंशाल्लाह मैं मिलने वाला हूँ अपने आप से ही इन फ्यूचर अगर आप लोगों का प्यार रहा ऐसे ही बना रहा तो मैं अपने आप से बहुत जल्द मिलूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान से ही प्यार देने का पाकिस्तान से भी काफी मैसेज आते हैं चले डेली व्लॉगिंग करो प्लीज ये व्लॉगिंग तो हम डेली करते हैं बहुत सी एडिटिंग नहीं हो पाती बहुत सी कंप्लीट नहीं हो पाती और आधी तो हाफ हाफ पड़ी हुई है कि उसे अपलोड कैसे करें क्योंकि जो हमारे पास है ना ये मेन ये देख सकते हैं ये भी शांति से बैठी हुई है
मगर नो नन्नू यार चाबी कितनी बार मना करा है मैंने आपको, अब दूसरी ले लिया आपने, दीजिए। सिर्फ एक यही मेन रीजन है जो हमें व्लॉगिंग वीडियो और बाहर भी जाने नहीं देती है, अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर वीडियो नहीं बन पाती, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। यार फिर चाबी ले ली, चाबी लो नन्नू से। और बाकी इनको घुमाना भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जैसे हस्बैंड हमें भी मिल जाए भाई तो अगर इंशाल्लाह आमीन, बस एक ही तो पीस हूं मैं, किस किस को मिलूंगा भाई। शट अप ओके, ये लोगों ने ख्याल प्लाव, मतलब मेरे ख्याल प्लाव बना रखे हैं बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई भाई, मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो मैं आपको कुछ और अपने भाई से सेटिंग करवा देता हूं। हाँ बाकी फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हैं और कजिन्स भी नहीं है, आप ये मान लो वन पीस ही हूँ मैं ओनली। होम टूर करवाएंगे करवाएंगे जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मिरर से हटकर कुछ न्यू रील्स ट्राई करो ना करो ना। एक्चुअली ये ही मिरर है जिसकी वजह से आप लोग जान पाए, और ये इसी रहता है काफी। नन्नू यहाँ पे आराम से कुछ भी कर सकती है, जैसे कि अपने वाइफ से खेलने लगी। इसके अलावा अगर हम घर से बाहर भी गए, रूम के बाहर भी गए ना, तो एक लाइव ट्रेलर दिखा दे रहे हैं हम आपको। चलो जान आओ बाहर चलते हैं, नन्नू का दिखाएंगे ना। अरे ऐसे आओ तो सही, आप मजा पाएंगी। तो भाई ये देखना भी इनका रिएक्शन, आप ये मन कर दो, गेट मन कर दो। नन्नू अंदर रहो बेटा, नो 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 नो, बस बस आगे नहीं रख के आना, नन्नू को अंदर रख के आओ। चलो लगा रख के दो, टॉयज दे दो उसके, टॉयज दे दो नन्नू के, टॉयज। ले 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 ले। तो ये अभी हम मूवी देख के आए हैं, और जो हमारी मैडम है वो अपने घर पे थी, इसलिए थोड़ा जो रूम है वो मेरे थोड़ा नहीं, नहीं थोड़ा ही है ही है बस। ये मैंने शर्ट निकाली थी, मुझे शर्ट पसंद नहीं आई तो मैंने दूसरी पहन ली बस। और हम अभी अमीरा दिखाएंगे तो वो भी, एक मेरे जो कल रात वाले कपड़े आप थे नहीं तो ऐसे पड़े हुए हैं। किचन तो जाहिर बात है, मुझे मुझे खुद अकेले बेचारे को खुद ब्रेकफास्ट करना पड़ा आज। इन्होंने मेरे को सारी सजा, बस बाकी क्या है, रिटायरिंग हिसाब किताब और क्या है, कुछ भी नहीं देखे जाना है। बस मैंने उठा के तो नहीं पढ़ने के बाद दिखाऊं, आई अंदर चने फोन खोले। ओके ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था, ये मैं देखना चाह रहा था, पता है आपको मैं आपको चेक करना चाह रहा था, मैं आपको चेक करना चाह रहा था, आप पोटैटो मना कर रही थी कि आप ऑर्डर नहीं करेंगे, उससे अच्छे नहीं आते, पर आप सुनते नहीं है। ये कोक दिख रही है, कोक गई भाड़ में, आप ये बता ठीक है भाड़ में गई, अब आपको नहीं मिलेगी पीने को, ऐसा कुछ नहीं। आपसे चॉकलेट नहीं मंगवाई जाती, ये लाओ मैं आलू खा लो, फ्रेंच फ्राई बनाऊंगी ना। बताइए इसमें है 30,000 कैश दिए थे कल किसने? ये तो आपका व्हाट्सएप मैसेज क्वेश्चन आंसर पाई है, पेमेंट पे नहीं लिए थे, दिए नहीं थे, तो आप लोग ज्यादा सोचिएगा मत ज्यादा। चलिए भाई थिएटर में कितने लोग थे, रुक जाए अभी वापिस जाके बताते हैं। ये जो है रुक जाए अभी जाते हैं वापिस। बेटा मूवी देखने गए थे मिस्टर हारिस खान, वहाँ पे गिनने नहीं गए थे हम, ठीक है, थिएटर में कितने लोग थे, और मोस्टली वैसे जो हम गए थे एंट्री करी थी तो कुछ फैंस मिल गए थे वहाँ पे, और थोड़ा फील हो रहा था प्राउड मे भी, मगर अभी इतना नहीं होता ना, इतने इस पोजीशन पे हैं, मगर अल्लाह ने शाह अपने शाह इंशाल्लाह, आपका सपोर्ट मिला प्यार मिला तो इससे भी ज़्यादा आगे और पोजीशन। मुझे बहुत दिन से जानना था, मेरे ये दो क्वेश्चन हैं, पहले कि आपकी आपकी लव मैरिज है क्या, दूसरा क्या है भैया,
कहाँ चले गए सारे? तो आपने ना लेप इसे, तो आप उसको जवाब दे देना बस। इतनी गवार हो रहा है, यू सो जवान, तू सो जवान, मैं क्यों सो? या ऑलरेडी बिकॉज़ जवान, पर हमने वो थिएटर पे नहीं देखी थी, इन बदतमीज हमें मोबाइल में दिखाई थी वो, ठीक है? और वो भी एचडी नहीं थी समझे, वो भी बहुत ही ब्लर ब्लर थी, वो ही देखी थी हमने। एक्चुअली टिकट मिले थे ब्लैक में और क्राउड भी काफी था उस टाइम, तो सोचा कि मोबाइल में ही देख ले, एक तो पैसे भी बचेंगे और दूसरा दूसरा जो था मेन रीजन जो था सबसे जो मेन रीजन था उसमें ये था कि मतलब आपका वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मूवी जवान की थी, SRK की थी, शाहरुख खान के लिए कहाँ इतना वेट हो सकता है, डेट्स वाई देख ली। हाँ, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगा, आपने शेयर ज़्यादा करे, इस पर रिव्यू के लिए व्यूज़ ज़्यादा आए, और मीन्स कितना टारगेट लेके चले इसका वीडियो का, चलिए 10K व्यूज ले लेते हैं बस, नॉर्मली कुछ नहीं है, थोड़े से ही है। अगर 10K हो गए तो हम डंकी मूवी जाएंगे देखने और उसका रिव्यू देंगे बेस्ट। डंकी कौन सी मूवी है? SRK की जो अब आ रही है दिसंबर में, और बाकी मूवीज बहुत आ रही हैं। अगर आपको अच्छी लगी शेयर करें, अपने रिव्यू सही लगे, आप तो दोनों आगे और मिले, रुक जाए ऐसे मत करें, बाकी सबके साथ आप दोनों इंस्टा पर मिले? नहीं, इंस्टा हमसे मिला, हम इंस्टा पे नहीं मिले। और बताइए जल्दी, प्लीज मैसेज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। चलिए कर लेता हूँ, और नीचे डेली व्लॉगिंग करो, ये तो हो गया। हाँ, बता दिया आपने, ऊपर नीचे कर दिए, मुझे इतने सारे लेफ्ट कर दिए, मुझे मजा आता है। लाइन से चला करें ना। अस्सलामुअलैकुम, पूरा थोड़ा खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट। बस बेबी कैसे है भैया? बेबी माशाल्लाह नन्नू अब बहुत अच्छी है, और इनके परसों इंजेक्शन लगने वाला है, सुई लगेगी इनके, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। वो हम इसमें मूवी के बारे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, है ना? ना ही पूछेंगे, ठीक है? फिर भी अस्सलामुअलैकुम भाई भाभी, आप बहुत क्यूट हो और आपका बेबी भी बहुत क्यूट है। शुक्रिया, आप भी बहुत क्यूट हैं, क्योंकि आपने हमें इस लायक समझा। तो गाइस, मेन मूवीज पर आते हैं वापसी, मूवी के रिव्यू के लिए। मूवी को अगर 5 में से स्टार दिए जाए कॉमेडी के लिए, तो मे बी 3.5 स्टार 4.5 माई गॉड, इंग्लिश, यही यही मैं देखना चाह रहा था, इंग्लिश आप मेरे पेट की चुटकी क्यों बनी है, इंग्लिश जिंदा, वो भी जिंदा इंग्लिश काट के रिया मेरे, ये ज़ॉम्बी बन गई, बचाओ बचाओ। और अगले व्लॉग में मिलते हैं इसी के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बहुत शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा, अब ये वायरस फैलने वाला है, डिजीज से कौन बचाएगा हमें, ये ज़ॉम्बी आ गई हमारे पास। और ये कुछ रह गया था हमारे व्लॉग में, तो सोचा थोड़ा ऐड कर ले फिर से, कि नन्नू बना के लाई है मूवी देखने के बाद, हम अब खाएंगे, भुग्गी लग रही है। मेरे फेवरेट लेग पीस, चिकन लेग पीस। जान, वेयर इज माय कोल्ड ड्रिंक स्प्रिंग एंड आल्सो माय आइसक्रीम जान, और थोड़ी सी होगी वो आपकी नहीं है, मेरी है आइसक्रीम जो बची हुई थी, वेनिला विद ओरियो, खा गए आप खा गए। एंड गाइस, वीडियोस अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा आगे कौन सी बनाएं, कौन सी आप चाहते हैं कि व्लॉग नेक्स्ट आए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना वीडियो, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह।